Namaskar, a very good evening everyone. I'm Smriti Rastogi. And I am Sanjeev Kumar. Welcome to our show, Best Friends Forever. Jaisa ki har hafte hum aapke saath alag-alag pehlu discuss karte rehte hain, pet loving, pet keeping ka. Isi ko aage badhate hue, pet bonding, compassion and love for your pets and within the family. For the pet element. Smriti, isi ke baare mein hum aur apne darshakon ke saath aaj share karenge baatein. आप का व्यू इस बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक है। अगर किसी भी पेट ओनर से अमूमन पूछा जाए कि आपके लिए पेट्स क्या मायने रखते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम विल डिस्क्राइब देम विद वर्ड्स लाइक लव, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी। कुछ के लिए ये एक वैल्यूड फैमिली मेम्बर हैं और कुछ के लिए दे आर ओनली कंपेनियन। हम चाहे इन्हें ब्रेकफास्ट दें ना दें, इन्हें वॉक पर ले जाएँ ना ले जाएँ, लेकिन उनका अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस हमारी तरफ उतना ही और वैसे का वैसे ही रहता है। आज हम इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले श्वेता खुराना, सीईओ डॉग्स एंड पप्स मैगजीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड प्रीति एस कुमार, पेट एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे दर्शकों से ये अनुरोध है कि आपके कोई भी सवाल अपने पेट से जुड़े हों तो आप हमें कॉल करिए। हमारा फ़ोन नंबर है 0112309 7532। इस नंबर पर हमें कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और जो भी सवाल आपके आपके पेट से जुड़े हैं आप हमसे, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। संजीव, आगे बढ़ने से पहले, दो खास हमारे दोस्त आज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनको भी हम मंच पर बुलाएं? डेफिनेटली। अच्छा, हमारी ये जो शो का ये बहुत इंटरेस्टिंग एक आस्पेक्ट है कि हम सिर्फ बात नहीं करते हैं पेट्स से जुड़े, हम पेट्स को बकायदा अपने सेट्स पर बुलाते हैं और उनको हम इस तरीके, लुक एट देम, दीज आर सो क्यूट, बोथ ऑफ देम आर सो क्यूट। तो हमारा ये एक हमारी एक इनकरेजमेंट रहती है कि अगर हम जब भी पेट्स के बारे में बात करें तो हम उनको दिखाएं भी, चाहे फिर वो डॉग्स हों, कैट्स हों, बर्ड्स हों, फिशेज हों, रैबिट्स हों। तो इसी चीज़ को ऑब्वियसली एज यू सेइंग, यू नो, वी वांट आवर पेट्स टू बी देयर विद अस। और एथलीट्स जो हमारे पेट कंपेनियंस हैं उनका एक डिपिक्शन हमेशा हमारे शो में आता रहे। और आज हमारे साथ दो ये लविंग पेट्स हैं हमारे, डिवाइन, डीवा डिवाइन, दैट्स डीवा डिवाइन ओवर हियर, एंड मिस्टर कीमू टाकू। सो कीमू वहाँ पर बैठे जरूर हैं लेकिन मन भर के वहाँ से डिवाइन की तरफ देखे जा रहे हैं, बिकॉज ही सेइंग कि वो मेरे साथ में क्यों नहीं बैठी। श्वेता, यू हैव बीन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, आपको काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट 18 साल होने जा रहे हैं, एंड आपने काफ़ी एस्पेक्ट्स पेट लविंग के कवर किए हैं। थोड़ा सा बताइए कि पेट लविंग, बॉन्डिंग, व्हाट्स योर से ऑन दिस? आई थिंक संजीव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। एंड पेट्स आर अ पार्ट ऑफ आर फैमिली, लाइक दे जस्ट गिव अस अनकंडीशनल लव, एंड द काइंड ऑफ लव दे गिव अस इज, वी हैव टू रियली इंश्योर दैट वी आर गुड पेट पेरेंट्स। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि वी हैव टू सी द फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल एज द मेंटल वेलबींग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Secondly, which I running this magazine over the last 18 years, I really feel that you have to communicate up. श्वेता, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वो मैगजीन आप हमें व्यूअर्स को हाँ दिखाएं। एग्जैक्टली, थैंक्स। सो आई रियली फील कि वी हैव टू कम्युनिकेट अपने पेट से। सो हमें देखना है कि हाउ इज देयर बॉडी लैंग्वेज एंड व्हाट आर दे फीलिंग एंड हाउ दे आर रिएक्टिंग टू अस, एंड वी हैव टू, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी हैव टू मेक देम फील लव्ड, दे आर फैमिली। प्रीति, आपसे पूछना चाहूंगी बहुत सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप डिस्क्राइब करें कि ह्यूमन बींग्स के लिए पेट्स क्या मायने रखते हैं, वो जो कनेक्टिविटी है, वो जो बॉन्डिंग है, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगी? जो पेट्स होते हैं स्पेशली, जैसे कि हमारे पास ये कीमू टाकू है, ये एक बच्चे की तरह है, इसको आप उतना ही प्यार करते हैं या देते हैं जैसे कि अपना बच्चा होता है, उसको बचपन से आप पालते हैं, तो एक बच्चा की तरह ही है ये हमारे लिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में।
जिसके बिना लगता ही नहीं है कि दिन पूरा हो सकेगा। जो इम्पैक्ट होता है वो न केवल एक मेंटल इम्पैक्ट होता है बट एक इमोशनल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो जिस कारण कई बार जब लोग अकेले होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आप पेट्स घर ले आइए। कितना आप सहमत हैं इस बात से? ऑलवेज, बट ये जो लास्ट 3 ईयर्स हम लोग के लिए सब के लिए बहुत टफ रहे हैं। पेट्स हैव प्रूव्ड कि ड्यूरिंग द पैंडमिक जो लोनलीनेस है, डिप्रेशन है, पेट्स हैव गिवन पीपल अ रीज़न टू लिव, अ रीज़न कि मैं सुबह उठूँ, वॉक पे जाऊँ, ख्याल रखूँ अपना, अपने पेट का, एंड मेक अ यू नो आई मीन मेक देम हैप्पी, मेक माई सेल्फ हैप्पी। सो पेट्स हैव रियली चेंज्ड, हेल्प पीपल इन दिस वेरी टफ टाइम व्हेन इट वाज वेरी लोनली फॉर पीपल। एक मुझे लगता है हेल्दी लाइफस्टाइल भी देने में, प्रीति आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि आप वॉक पर ले जाते हैं, खाने का टाइम बंधा हुआ होता है, ब्रेकफास्ट का होता है, लंच का होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है पेट्स के होने से। एग्जैक्टली, क्योंकि इनको क्या होता है ना, इनको हमेशा से कि रेगुलर वॉक्स कराना है, तो इनको पता है मॉर्निंग इवनिंग का वॉक जाना है। देन फूड, इनकी हैबिट जो है, जो इनको बेटरिंग की हेल्थ के लिए है, वो देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट, वो आपके पास आते हैं, उनको पता है कि ये टाइम है खाने का, तो वो आपके पास उस टाइम डेफिनेटली आते हैं। इनको पता है कि मेरी माँ है, खाना मिलेगा मुझे माँ के पास, तो उस तरीके से फैमिली मेम्बर्स के पास भी, तो दे आर सो लविंग, वो सारा अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं आपका उस टाइम, अट्रैक्ट करते हैं, और आपको भी लगता है कि हम सुबह जल्दी उठ जाएं, वॉक पे लेकर के जाना होगा हमें, अब उनके खाने का टाइम हो गया है, तो जैसे अपने बच्चों के लिए आप कुक करते हैं, तो इनके लिए भी कुक करें। अच्छा, बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों के लिए श्वेता बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी ग्रोथ के लिए उनका एक सेल्फ एस्टीम और एम्पथी, जो कि मुझे लगता है थोड़ा पेरेंट्स को ज़्यादा मुझे लगता है इम्पैक्ट करता है, उनके अंदर ये फैक्टर्स डेवलप करने में बच्चों के अंदर पेट्स का एक बहुत अहम रोल होता है। श्वेता, I agree completely, because pets बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखाते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, बच्चों के रीडिंग स्किल्स ऑल्सो के लिए बहुत अच्छे हैं। सो देयर इज़ अ स्कूल इन अमेरिका जो बच्चे पढ़ने में शर्माते हैं, सो दे हैव अ डॉग, बिकॉज व्हेन अ चाइल्ड इज़ सिटिंग एंड रीडिंग इन फ्रंट ऑफ अ डॉग, चाइल्ड इज़ नॉट कॉन्शियस, उसको मालूम है कि मुझे अनकंडीशनल लव मिल रहा है एंड मैं खुल के बात कर सकता हूँ या बोल सकती हूँ। सो दे गिव लव, लॉयल्टी, कंपैशन, हेल्थ एक्सेट्रा एक्टिविटी। सी, ये तो एक फैमिली और एक ह्यूमन रिलेशनशिप एंड एस्पेक्ट विद देयर पेट्स, बट देन अगेन पेट्स का एक दूसरे के साथ में भी एक बहुत ही खूबसूरत एलिमेंट रहता है कि एक जानवर एक दूसरे जानवर के लिए, एक पेट दूसरे पेट के लिए कितना केयर करता है। आइए इसी के ऊपर एक बहुत ही अच्छा हमारे पास क्रिएटिव है, आइए देखते हैं उसे। लॉकडाउन में बिफोर हकलबेरी एंड आफ्टर हकलबेरी हमारा अलग ही है, हमारा लाइफ ही चेंज हो गया। दे आर नॉट जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, दे मीन एवरीथिंग फॉर अस, दे आर लाइक आवर लाइफ, आवर हैप्पीनेस, एवरीथिंग लाइज ऑन देम। Actually, my wife's plan that we have to get a pet. Somehow or other, I was keep avoiding that. पहले विष्णु was against getting a dog and keeping a pet at home. फिर जैसे हकल इसने देखा, he was jealous of me and Huckleberry, our relationship. Like after 2 months only, we bought the next one, Nora. We thought okay, we'll give him a company because he'll be alone, so that's the reason we thought of getting Nora. And वैसे ही कि नोरा जैसे आ गए, she was more comfortable with him. Then once she came into the house, she became the boss of the house. She on the very first day, she came and controlled everything and she is everywhere. She is like, I know this place very well. जब हम घर पे नहीं होता है कि दोनों एक साथ, मतलब कुछ भी करो, भागना इधर से उधर भागना है तो दोनों साथ में भागते हैं, दोनों साथ में खेलता है, कुछ भी करना है तो दोनों साथ में ही रहता है। हम सबसे पहले कुछ भी डिसाइड करने से पहले हम ये सोचते हैं इनका क्या है, और जहाँ पे इनको ले जा सकते हैं उसी जगह पे हम जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट देम। फर्स्ट टाइम वी टुक देम टू फ्लाइट ट्रिप, we took them to Goa, so that was one of the memorable moments. They also enjoyed the beach and water and everything.
तो एयरपोर्ट में ऐसा हुआ कि ये तो हमारे साथ ही थे एंड द मोमेंट दे सेड कि इनको स्कैनिंग के लिए इनका क्रेट वगैरह स्कैनिंग के लिए लेके गया हम अलग दूसरी जगह पे एंड वहाँ जाके तब भी ये लोग हमारे साथ थे एंड दे वर लाइक डूइंग द प्रोसीजर्स एंड ऑल. उसके बाद जैसे इनको क्रेट के अंदर डाल के दे स्टार्टेड टेकिंग देम टू द अदर वे और वी फेल लाइक मतलब वी आर लॉसिंग आर पता नहीं आई कॉन्ट एक्सप्लेन इट. We were like wo, I felt like crying on in the airport. बहुत ही बुरी मतलब बहुत बुरी हाल हो गई मेरी. Yeah. I literally we cried. Especially Nora, she won't sleep the whole day. When I till I am back home, she won't sleep. And the other thing is she'll be having a black eye and everything without sleeping. So once I am back, she'll be very happy. वो लोग चाहते हैं कि हम बस आसपास में रहो, कि बाकी तो बाकी they'll enjoy the by themselves. You have to give them time. They don't let them for the sake of taking it. Okay, I like, so I'm taking a pet, and just don't leave it around and do your thing. हम जितना प्यार उनकी तरफ दिखा रहे हैं लाइक उनके लिए हम जो भी कर रहे हैं वो कभी उसमें कभी रिग्रेशन की बात ही नहीं आएगी क्योंकि दैट मच और उससे ज़्यादा इन रिटर्न वी आर गेटिंग कि दे समटाइम्स दे टेक केयर ऑफ अस. वी फील लाइक इफ यू आर फीलिंग डाउन फॉर सम टाइम हम सैड बैठ जाओ तो आके एकदम पास में बैठ जाते तो उस टाइम दैट इज़ डिफरेंट यू नो यू सी समबडी इज़ देयर टू हग यू एनी टाइम समबडी इज़ देयर टू like console you every time they're at your place so it's good to have pets at home. कितना खूबसूरत ये क्रिएटिव देखिए दो पेट्स का आपस में एक रिलेशनशिप उनका फैमिली के साथ उनका रिलेशनशिप. तो संजीव आप खुद एक पेट एक्सपर्ट हैं तो हम बेसिकली अगर बात करें एज अ पेट ओनर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप थोड़ा एक्सप्लेन करें हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी है वो जानना. बिल्कुल देखिए पेट ओनरशिप जैसे कई बार क्या होता है काफ़ी लोग पेट्स गिफ्ट कर देते हैं या बर्थडे के एस्पेक्ट से किसी दिन ये डिसाइड होता है कि आज बर्थडे है पेट ले आते हैं या पेट अडॉप्ट कर लेते हैं. लेकिन उसके पहले एक बहुत ज़रूरी है कि रिसर्च वर्क किया जाए ये ज़रूरी बात है कि समझा जाए अगर कोई पेट एक्सपर्ट आपके नॉलेज में है या आप रीच आउट कर सकें या वेटनरी डॉक्टर हैं उनको आप कंसल्ट कर सकें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसके साथ में. श्वेता काफ़ी आपने इसके बारे में काफ़ी अपने आर्टिकल्स में लिखा भी है so what do you say about this? लेकिन उससे पहले मैं काम करते हैं क्योंकि वो कॉल हमारे साथ दोबारा पैचअप हो गया है तो फतेह सिंह जी आपको हमारी आवाज आ रही हो तो प्लीज अपना सवाल श्वेता जी से या प्रीति जी से पूछिए. हमारा जो पेट है वो क्या कहते हैं खाना नहीं खाता. अच्छा क्या पेट है आपका? हमारा कौन सा पेट है? उम्र क्या है उसकी? उम्र 3 महीना. 3 महीने का है तो लगता है जैसे श्वेता अडॉप्ट किया है अभी 3 महीने का बच्चा. सो प्रीति 3 महीने का बच्चा है इस समय वो खाना नहीं खा रहा है तो क्या चीज़ें आप उनको बताना चाहेंगे गाइड करना चाहेंगे? अभी क्योंकि वो 3 मंथ्स का बच्चा है तो अभी तो उसकी लाइकिंग्स क्या है क्या नहीं वो लाइक करेगा क्या खाना चाहेगा तो वो सब चीज़ों का अभी तो उनको ट्राई करना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ खिला सकते हैं. डॉग फूड खा सकता है अभी इस एज पर या अभी अगर स्टार्ट किया है तो सेरिलैक के साथ भी कुछ मिक्स कर दे सकते हैं सो दैट थोड़ा सा लाइट हो उसके स्टमक पे जी. या कुछ घर का बना हुआ कुछ लाइट फूड पनीर टाइप का होगा उस टाइप की कुछ चीज़ें दे सकते हैं. इस स्टेज पर तो चेकिंग ही करना पड़ेगा कि क्या उसको पसंद है क्या नहीं है उसके हिसाब से वो अपने मूड स्विंग्स चेंज करेगा. या अपने लोकल वेट को आप कंसल्ट करिए आपके शहर में जो डॉक्टर हैं उनसे आप बात करिए उनसे पूछिए और वो आपको बेहतर गाइडेंस दे पाएंगे. पेट्स की कितनी अहमियत है ये एक बात से बहुत बहुत जायज एक बात है जैसे ये जाहिर हो जाता है कि जितने भी हमारे पास सोसाइटियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हैं लॉज अपनी जगह पे हैं टू प्रोटेक्ट आर पेट्स जो एनिमल्स हैं उनकी राइट्स के लिए बात करते हैं तो बहुत अहम. मुझे लगता है पिछले अगर कुछ सालों में देखा जाए लगभग 10-15-20 सालों में श्वेता तो काफ़ी आगे हम आ गए हैं जहाँ तक हम पेट्स की बात करें पेट ओनर्स की बात करें उनको सिखाना पढ़ाना आप क्या कहना चाहेंगे? सो जैसे संजीव ने भी बोला था कि एक पेट को देखने में वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फूड नीड्स न्यूट्रिशन नीड्स ट्रेनिंग नीड्स ग्रूमिंग नीड्स.
सो वी हैव टू एज पेट पेरेंट्स इंश्योर कि वी गो टू आर वेट्स इन आर लोकल सिटीज एंड लर्न गाइडेंस एंड देयर इज अ प्लेस वेयर वी एज अ मैगजीन ऑल्सो कम इन टू प्ले बिकॉज हम लोग नॉलेज लोगों को डिसमिनेट करते हैं ताकि जैसे अगर 3 महीने का स्मॉल पप है हाउ टू टेक केयर यू नीड टू टेक इट हिम और हर अपने वेट के पास एंड आप वैक्सीनेशन डीवर्मिंग खाने में क्या देना चाहिए पेट के स्टूल को आपको देखना है कि इफ़ इट्स नॉट यू नो इफ द टमी इज अपसेट सो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बॉडी लैंग्वेज और उनको देख के अब्जॉर्ब करना है सीखना है और सही तरीके से करना है आगे बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई कि जब आप पेट्स ले करके आते हैं संजीव तो सिर्फ पेट लाना काम नहीं होता है उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अहम होती हैं इसी बात पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैकेज है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हमारी टीम ने क्रिएट किया है जिसका नाम है मिथ बस्टर आइए जानते हैं देखते हैं समझते हैं Cats and dogs are enemies. It's a myth. Cats and dogs are not mortal enemies. Communication और understanding किसी भी अच्छे relationship की कुंजी है यहाँ तक कि dogs और बिल्लियों के बीच भी Dogs and cats के बीच का issue एक दूसरे के लिए आपसी नोक झोंक की तुलना में उनकी predatory instincts और communication problem से अधिक है Dogs have always been domesticated and taught to prey on small and moving objects. इसीलिए जब एक डॉग कैट को देखता है तो उनकी पहली इंस्टिंक्ट बिल्ली का पीछा करना है ऑन द अदर हैंड डॉग्स को उसका पीछा करते हुए देखकर बिल्लियां डर के मारे भाग जाती हैं। कैट्स एंड डॉग्स ऑल्सो कम्युनिकेट डिफरेंटली हाउएवर जब एक बिल्ली और डॉग एक ही घर में एक साथ बड़े होते हैं दे लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड इवन डेवलप फ्रेंडली रिलेशनशिप्स सो बी पेशेंट एंड गिव योर डॉग एंड कैट सुपरवाइज्ड टाइम टुगेदर They may end up becoming best friends forever. कितना इंटरेस्टिंग रहता है स्मृति हमेशा ये मिथबस्टर्स जो हैं आई गेस यू नो हम दर्शकों को इन मिथबस्टर्स के थ्रू काफ़ी इनलाइटमेंट दे पाते हैं आई गेस और काफ़ी फैक्ट्स ला सकते हैं हम सामने इसी के साथ में हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं रूपश्री मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ते हुए हेलो सर मेरा एक क्वेश्चन था जी कि मेरा डॉबरमैन है 9 मंथ का हो गया है वो तो अभी उसका फूड चेंज किया है लाइक पहले उसको अभी पपीज फूड दे रहे थे पेडिग्री का और अभी चेंज किया है एडल्ट का तो वो खा नहीं रहा है खाना लाइक उतना अगर सिर्फ पेडिग्री भी दो ना तो भी उसे पसंद नहीं आता है वो एडल्ट फूड जो है उसका अच्छा। तो क्या करना चाहिए ओके आई गेस देखिए कभी भी खाना जब हम चेंज करते हैं पेट्स के तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रेजुअल चेंज हो आप सडनली एक खाना बंद करके एक खाना स्टार्ट नहीं करें और कंपनीज खासतौर से चेंज ना हो तो बेटर है अगर होती भी है तो आप ग्रेजुअल चेंज करें श्वेता दैट्स द राइट वे टू गो अबाउट दिस संजीव यस राइट वे कंप्लीटली कि खाना ग्रेजुअल चेंज हो स्लो मिक्सिंग करिए पुराने खाने के साथ में जो नया खाना आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको स्लोली मिक्स करिए उसकी क्वांटिटी आप धीरे धीरे बढ़ाइए और पुराने वाले की धीरे धीरे कम करिए I think that's the best way to go about that's it. That's the best, yes. Yeah? So say the problem doesn't have indigestion and the dog over a period of time, we used to ho jate hain and then that's better. So right. And because wo palatability form ho gayi hai, so unko time lagta hai change hone mein. Bilkul, bilkul. Food pe. Dekhiye, bonding ke baare mein jis jo hamara ye episode hai, ki pets ke saath bonding hamara ye mera kafi view raha hai over a period of time ki pet aapke matlab chehre ko dekh ke aapke halat ko dekh ke wo samajh jata hai ki kis samay aap kis mood mein hai mood mein hai bilkul yeah and they sense it i mean wo unka ek sixth sense hum kehte hain ki hamara shayad itna sharp na ho lekin janwaron ko matlab wo kehte hain ki earthquake bhi aane ke pehle pata chal jata hai to hamara chal jata hai wo intuition itna strong hota hai priti ek agar jab baat karte hain what makes this bonding so special what makes us so happy with the pets around us to ek baat hoti hai oxytocin ki jise love hormone bhi kaha jata hai to uske bare mein thoda bataiye ki kis tarike se hum jab bonding karte hain jo compassion hota hai jab unki loyalty hoti hai akele hote hain to uske bare mein kuch bataiye hum jaise ki uske aapko life example main aapko deti hu ye kimi taku hai wo jo dusra pet hai hamara divine wo blind hai ji
ही इज सो कम्पैशनेट अबाउट हर कि जब भी वो वॉक पे जाता है वो जाती है उसके साथ में तो ही इज ऑलवेज अराउंड हर कि कहीं इधर उधर वो क्योंकि किसी चीज़ में वो टक्कर ना खा जाए ये नहीं कर जाए स्पेशली जब मॉर्निंग होता है एवरी मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप अच्छा उसको सेंसेशन है कि yes, she can't see उसको सेंसेशन है एवरी मॉर्निंग ही गोज टू हर looks at her agar kabhi kai baar uski eyes se koi discharge ho raha he will try to clean it he will lick it and clean it wow hamesha uska wo saath mein rehta hai and he's always like uske company mein rehna hai kabhi bhi if he's traveling outside wapas delhi wapas aa raha hai to wo jayega sabse pehle kisi se nahi milega sabse pehle jaakar divine ke paas jayega he will try to locate where she is kaisi hai wo this is the kind of bonding he has with her So guess the love is exactly. high, not just for this month, it's around the year, all days. Bilkul, absolutely. Achha, pet caregivers, inka ek bahut essential role hota hai. Sanjeev, aap bhi is cheez se bahut vaasta karenge. Usse pehle ek call hai hamare paas. Caller jud rahe hain Dehradun se. Aap apna naam bataiye, please. Main Sanjeev Kumar Bhatt, sir. Ji, Sanjeev Kumar. Ji, apna naam, apna aap sawal please bataiye. जी सवाल मैडम ये है कि मेरा 4 साल का लेबरा डॉग है अच्छा उसके बाल बहुत निकलते हैं बहुत ज्यादा और हमेशा निकलते हैं तो कोई ऐसा वो है कि अब कपड़ों में चिपक जाते हैं बहुत होता है और एक बात और कहना चाहता हूँ जो फिजिकल फिटनेस के लिए डॉग बहुत जरूरी है जी जी ये बात बहुत अच्छी कही जो हम लोग बात करते हैं ना केवल इमोशनल बट फिजिकल फिटनेस के लिए भी एक रूटीन सेट होता है मगर जो सवाल इन्होंने किया अश्वेता आप अपना इस पे रिएक्शन बताइए लैब्राडोर एंड डॉग शेडिंग बहुत नॉर्मल चीज़ है एंड ये एक नॉर्मल साइकिल है जो होता है सो इनको अपने डॉग की ग्रूमिंग का बहुत ख्याल रखना है सो जो एक रबर ब्रश होता है उससे रोज़ लेके ग्रूम करें अगर शेडिंग ज़्यादा है फिर अपने वेट के पास जाएं बट व्हाट आई फील अभी इज अ नॉर्मल डेली ग्रूमिंग जो उनको करना चाहिए राइट एज अ ग्रूमिंग एक्सपर्ट प्रीति वुड यू वांट टू ऐड टू दैट आप कुछ ऐड करना चाहिए थोड़ा सा अगर खाने का भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि लैब्राडोर्स हैं कि घर जैसे कि कोई दूध टाइप की चीजें नहीं दें कोई शुगर टाइप की चीजें नहीं दें जैसे कि तो हेयर शेड बहुत ज्यादा होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फूड इनटेक क्या जा रहा है सिस्टम में उससे हेयर शेड की शेडिंग का भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है फूड इनटेक से जी बिल्कुल एक क्विक हमारे पास सवाल बहुत आते हैं तो मैं संजीव से रिक्वेस्ट करूंगी एक ईमेल के जरिए एक सवाल आया है तो संजीव उसका आंसर आप भी बताएंगे सवाल भी बताएंगे बिल्कुल बिल्कुल सो द क्वेश्चन ऑब्वियसली फ्रॉम कुमार नायडू इज यू नो हाउ मेनी डेज इन अ वीक डज अ डोबरमैन यू नो रिक्वायर क्लीनिंग उसकी सफाई या साफ सफाई या ब्रशिंग कितनी जरूरी है डोबरमैन एक शॉर्ट हेड ब्रीड है लेकिन शॉर्ट हेड होने के बावजूद भी हमारे को नहलाना जो है उसको अगर बात देना है तो 2 या 3 बार आप महीने में नहला सकते हैं ब्रशिंग रोज होनी चाहिए सो यू शुड यू नो डेफिनेटली ब्रश द हेयर एवरी डे शॉर्ट कोटेड हो लॉन्ग कोटेड हो मैं हमेशा बोलता हूँ ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है हम अपने बालों का देखभाल करते हैं उनका भी करना चाहिए लेकिन देखिए अभी 2 हेयरी ब्रीड्स हमारे साथ हैं यहाँ पर एंड जो हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करना चाहेंगे श्वेता डॉग्स एंड पप्स ने काफ़ी एस्पेक्ट्स को कवर किया एंड बीइंग अ मैगजीन ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कवर करते आए हैं आप इतने सालों की जर्नी में आपका क्या ओपिनियन रहा है इंडिया में पेट ओनरशिप के बारे में इंडिया में पेट ओनरशिप बहुत इंक्रीज हो गई है इनफैक्ट इन द ईयर 2023 वी विल बी हैविंग 31 मिलियन पेट डॉग्स अच्छा एंड In this particular Yeah, cheers to that. Yeah. And because pets are giving so much of unconditional love. And people are actually just thinking pets are family. So the way they are taking care, unka dekhbhal kar rahe hain, training, grooming, khane ka. So it's unka not only physical well-being is being taken care of, but they're trying to take care what they feel and understand their body language and take care of them. Right. Ek aur caller hamare saath is waqt jud rahe hain. Aapko hamari awaaz mil rahi hai? Ji. Ji, apna naam bataiye aur sawal pooch lijiye apna. मैडम दीपक कुमार बात कर रहा हूँ जी मैडम मेरे पास पग है जो 8 साल का हो चुका जी मैडम मैं इसकी केयर और ज्यादा कैसे करूँ इसकी केयर और ज्यादा कैसे करें क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है तो प्रीति आपसे पूछूंगी वेरी क्विक एंड वेरी ब्रीफली यू आंसर दिस क्वेश्चन
देखिए ऑलरेडी वो 8 ईयर्स का हो चुका है पग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा एज फैक्टर है, तो उसको जब भी उसको घर में रखें या वॉक कराने के लिए लेकर जाएं, बहुत ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नहीं हो, ज़्यादा गर्म नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं हो, वॉक करने के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको, एंड फूड भी बहुत लाइट दे क्योंकि स्टमक को बहुत ज़रूरी है कि लाइट फूड खाए इस एज के साथ में, तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए इस टाइम। थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच श्वेता फॉर कमिंग टू आर शो टुडे एंड हेल्पिंग अस, गाइडिंग अस, हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ वंडरफुल को होस्ट। अपने दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि आपके जो भी कोई सजेशन या फीडबैक हो आप हमें ईमेल कर सकते हैं bestfriendforeverpets@gmail.com, bestfriendforeverpets@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है, इस पर आप लिखें, अपने सजेशन दें और कोई भी ऐसा फनी वीडियो हो अपने पेट से जुड़ा वो भी आप हमें भेजें, हम अपने चैनल पर उसे चलाएंगे। बिल्कुल, यू बीन अ फंटास्टिक ऑडियंस लाइक ऑलवेज, एंड आपके साथ हम दोबारा जुड़ेंगे फिर से अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। मीडियम साइज पेट्स, देयर आर 3-4 साइजेस ऑफ पेट्स, तो हम मीडियम साइज पेट्स को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ अगले हफ्ते, एंड तब तक के लिए लिव लाइफ, लव पेट्स, रिस्पेक्ट देम, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। Even if we fight, there'll be like sometimes there are silly fights and all. The moment we raise the voice, these guys, pata nahi kahin bhi ghar ke kisi bhi kone pe honge, but turant bhaag ke hamare paas aake ekdam itna aise chipak jaate hain ki don't fight kind of. That actually married to us. Yeah, it is indeed it's a huge responsibility. But the return you'll get, matlab, it's priceless. I cannot miss them a day, or they cannot miss us a day. That is what the bonding in a short way I can explain.